तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेस और गेज। यानी कि इस वीडियो में हम लोग प्रेशर गेज के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेशर गेज कितने टाइप का होता है और जो मोस्ट पॉपुलर प्रेशर गेज है जिसको हम लोग बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज बोलते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी कि कैसे काम करता है, कैसे हम लोग बॉर्डन ट्यूब की मदद से प्रेशर को मेजर करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग प्रेशर गेज के बारे में डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रेशर गेज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गेज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को मेजर करना, और प्रेशर गेज है तो प्रेशर को मेजर करना, यानी कि यह जो डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर होता है, और उस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग इस डिवाइस की मदद से मेजर करेंगे, यानी कि डायरेक्टली हम लोग प्रेशर मेजर करेंगे। तो ये जो प्रेशर गेज है वो मेनली दो टाइप का देखने को मिलता है, एक होता है हमारा डिजिटल फॉर्म में आउटपुट देता है और एक मैकेनिकल प्रेशर गेज होता है। तो डिजिटल में क्या होता है कि डायरेक्टली आउटपुट हमारा न्यूमेरिक में दिखा देता है कि हमारा इतना प्रेशर जो है वो उस लाइन के अंदर है। और ये जो मैकेनिकल प्रेशर गेज है ये मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला होता है डायफ्राम टाइप प्रेशर गेज, दूसरा होता है बेलो टाइप प्रेशर गेज, और तीसरा होता है बर्डन ट्यूब टाइप प्रेशर गेज। तो बर्डन ट्यूब टाइप प्रेशर गेज जो होता है वो मोस्ट पॉपुलर होता है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बर्डन ट्यूब टाइप प्रेशर गेज का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम की मदद से अच्छे से डिटेल से हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा डायफ्राम प्रेशर गेज जो है, यानी कि जो हमारा ये प्रेशर गेज है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल है जिस पे ये काम करता है। तो ये जो हमारा प्रेशर गेज है वो हुक्स लॉ, जो कि हम लोग इंजीनियरिंग के दौरान पढ़े हैं, तो हुक्स लॉ प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, काम करता है। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो स्ट्रेस होता है, यानी कि जब हम लोग कहीं पे प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो जो स्ट्रेस होगा, यानी कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। तो देखिए, स्ट्रेस क्या होता है या स्ट्रेन क्या होता है, अगर इसके बारे में आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका एक सेपरेट डिस्कस कर दूंगा। अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग पे अभी हमारा इसका लेंथ जो है वो मान लीजिए इतना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे कुछ वेट यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो जब वेट लगाएंगे तो आप देखे होंगे कि इसका जो स्प्रिंग का जो लेंथ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, है ना। पहले लेंथ हमारा यहाँ था लेकिन अब क्या हो गया, इतना इसका लेंथ बढ़ जाता है। यानी कि जब हम लोग वेट करेंगे, एक तरफ से स्प्रिंग को पकड़ के नीचे खींचेंगे तो वो क्या होगा, एलोंगेट हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर मान लीजिए कि कुछ और इससे ज़्यादा हम लोग वेट इसके अंदर लगा दिए तो स्प्रिंग जो है वो कुछ यहाँ पे आपका एलोंगेट होके आ जाएगा, और ज़्यादा वेट लगाएंगे तो स्प्रिंग का जो एलोंगेशन है और बढ़ जाएगा, और मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है वो कुछ इतना हो गया। इसका मतलब क्या है कि पहले हमारा जो ओरिजिनल लेंथ था वो स्प्रिंग का यहाँ पे था, ये क्या है, हमारा ओरिजिनल लेंथ है, लेकिन यहाँ पे अब हमारा स्प्रिंग यहाँ पे आ गया। ये मान लीजिए कि हम लोग 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो अप्लाई किए, यहाँ पे मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, यहाँ पे मान लीजिए 30 न्यूटन का फोर्स हम लोग अप्लाई किए, तो देखेंगे कि हमारा यहाँ का जो लेंथ है वो थोड़ा इतना बढ़ गया, और इसमें देखेंगे तो हमारा जो स्प्रिंग है वो इतना एलोंगेट हो गया। तो आप देखेंगे कि जब हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो मान लीजिए कि ये कितना एलोंगेट हो रहा है, 1 mm हो रहा है, और जब 20 mm लगा रहे हैं तो आप देखेंगे ये 2 mm एलोंगेट हो रहा है ना, और 30 न्यूटन लगाएंगे तो उस स्प्रिंग का जो लेंथ एलोंगेशन होगा वो 3 mm होगा। यानी कि ये एक लीनियर फॉर्म में रहता है। जैसे कि इसको अगर हम लोग एक ग्राफ से प्लॉट करेंगे
जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा फोर्स है, ठीक है, और ये जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फोर्स कितना दिए, 10 न्यूटन का दिए, यहाँ पे फोर्स हम लोग क्या दिए, 10 न्यूटन का, ठीक है। तो हमारा एक्स कितना हुआ, 1 mm हुआ, 20 दिए तो हमारा कितना हुआ, 2 mm हुआ, 30 दिए तो हमारा कितना हुआ, 3 mm हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, एकदम लीनियर हो गया, यानी कि जितना आप फोर्स देंगे उतना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस फोर्स को आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है, हमारा स्ट्रेस है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा स्ट्रेन है। यानी कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक। देखिए हुक्स लॉ के लिए मैं एक सेपरेट डिस्कस कर दूंगा, फिलहाल ये समझने के लिए यही हम लोग डिस्कस कर लिए कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है इलास्टिक लिमिट तक। अगर ये प्लास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट। इस तरह से इस प्रेशर गेज में जो हम लोग बर्डन ट्यूब यूज करते हैं उसको हम लोग विद इन इलास्टिक लिमिट तक ही प्रेशराइज करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग इसका कंपोनेंट समझ लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रेशर गेज का कुछ कंस्ट्रक्शन है, इसका हम लोग सारे कंपोनेंट्स समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बर्डन ट्यूब टाइप है, तो इसके अंदर ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ये क्या है, एक बर्डन ट्यूब है जो कि ओवल शेप में रहता है, राउंड नहीं रहता है, पूरा राउंड नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा हमारा कुछ इस टाइप का शेप में, पूरा ऐसे ओवल शेप में रहेगा, ठीक है ना। अगर देखेंगे ये वाला तो ये क्या हमारा ओवल शेप में रहेगा, तो ये आप समझ सकते हैं ये क्या है, हमारा बर्डन ट्यूब है। इस बर्डन ट्यूब में एक एंड पे हमारा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, यानी कि इस एंड में हमारा क्या है, यहाँ से मान लीजिए कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और ये यहाँ पे हमारा कनेक्टेड रहता है। तो फ्लूइड जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर एंटर करेगा और इसके अंदर भर जाएगा और यहाँ पे आएगा, और इस एंड को हम लोग बोलते हैं ये क्या है, हमारा क्लोज्ड एंड होता है, ये हमारा फिक्स्ड एंड है, और ये क्या है, फ्री एंड है, मतलब ये घूमते रहता है, और ये ओपन एंड होता है, ये क्या है हमारा क्लोज एंड होता है, ये क्या हमारा क्लोज एंड होता है, और ये यहाँ पे फिक्स्ड एंड को आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ ओपन एंड है, यानी कि यहाँ से हमारा फ्लूइड जो है वो एंटर करेगा और यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। और ये क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ पे सॉकेट है, इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, तो ये क्या है हमारा फिक्स्ड एंड बोला जाता है, और ये जो होता है हमारा दूसरा टाइप, दूसरा जो एंड है वो फ्री होता है, यानी कि मूव करने के लिए ये रेडी रहता है। तो जैसे इसके अंदर फ्लूइड जाएगा तो ये जो हमारा एंड है वो क्या होगा, इधर की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही इस लाइन का प्रेशर कम होगा तो ये क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा, यानी कि ये जो हमारा ट्यूब है वो क्या होगा, आगे पीछे मूव करने के लिए फ्री है, इसीलिए इसको फ्री एंड बोला जाता है, और ये हमारा फिक्स रहता है इसीलिए इसको फिक्स एंड बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। और ये सी शेप में होता है, इसका शेप क्या है, सर्कुलर है, यानी कि सी शेप में, हाफ सर्कुलर है, तो ये सी शेप में हो गया। तो बर्डन ट्यूब का जो शेप है वो सी में रहता है और ये ओवल शेप में रहता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही इसके अंदर फ्लूइड आएगा तो फ्लूइड क्या करेगा, इधर इधर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है ना, इस सी के अंदर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो इसको क्या करेगा, राउंड करने का कोशिश करेगा, ये ओवल में है ना, तो इसको राउंड करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा मतलब इधर की तरफ मूव कर सकता है, प्रेशर कम होगा तो पीछे की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही ये ऊपर नीचे मूव करेगा, यानी कि पीछे जा आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है, तो इसका जो फ्री एंड है इससे कनेक्ट रहता है। देखिए यहां पे एक एडजस्टेबल लिंक रहता है, एक लिंक की मदद से यहां पे आप सेक्टर बोल दीजिए या रैक बोल दीजिए, इस रैक को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक सेगमेंटल लीवर का यूज करते हैं, यानी कि एक हमारा एडजस्टेबल लिंक है और एक हमारा क्या है, इस सेक्टर को कनेक्ट करने के लिए सेगमेंटल लीवर है, और यहां पे इस लीवर को क्या किया जाता है, पाइवट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, मतलब कि ऊपर ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, इसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या अरेंजमेंट किए हैं, तो एक हमारा पिनियन होता है और एक हमारा रैक होता है, यानी कि रैक पिनियन की मदद से हम लोग इसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि जो हमारा यहाँ से प्रेशर जा रहा है, प्रेशर क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक एनर्जी है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फोर्स एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिए,
फोर्स एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट से हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा दिए, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। वो क्या है, फोर्स का, प्रेशर का मतलब क्या हो गया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उसका फोर्स होगा कुछ एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में, क्योंकि इसका एरिया जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। ये जो एरिया है ये क्या हमारा फिक्स रहता है, पार्टिकुलर एरिया में ये जो फ्लूइड है वो कितना फोर्स अप्लाइड कर रहा है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, और ये इसके अंदर आएगा तो ये क्या होगा, आगे गया, तो ये जैसे आगे जाएगा तो ये भी चीज़ क्या होगा, पार्ट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, और ये क्या होगा, ये हमारा इधर की तरफ जाएगा, यानी कि ये हमारा इधर अगर रोटेट कर रहा है तो ये क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट में रोटेट करेगा। तो ये जैसे इधर रोटेट करेगा तो ये जो हमारा चीज़ है वो क्या होगा, इधर की तरफ मूव करेगा। तो देखिए ये क्या है, हमारा पॉइंटर है, और ये पॉइंटर किस पे मतलब इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये डायल बोल दीजिए या स्केल बोल दीजिए, स्केल पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट समझ लिए कि ये हमारा जो बर्डन ट्यूब है, एक फिक्स एंड होता है, एक फ्री एंड होता है, और फ्री एंड पे हमारा जो एक एडजस्टेबल मतलब लिंक होता है जिससे हमारा सेगमेंट लीवर कनेक्ट रहता है, और लीवर से हमारा रैक या सेक्टर कनेक्ट रहता है, और सेक्टर से अटैच रहता है हमारा पिनियन। सेक्टर जैसे मूव करेगा तो पिनियन भी मूव करेगा, और पिनियन के टिप में हमारा ये पॉइंटर को फिक्स किया रहता है, तो पिनियन मूव करेगा तो हमारा पॉइंटर भी मूव करेगा, और पॉइंटर हमारा किस पे मतलब इसका जो पॉइंटर रहता है वो आपका स्केल पे इंडिकेट करेगा कि आपका जो स्केल है वो बताएगा कि इस लाइन में हमारा जो प्रेशर है वो कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा इसका मूवमेंट होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रैक और पिनियन की मदद से हमारा पॉइंटर मूव करेगा। इस तरह से हम लोग का जो प्रेशर गेज है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि ये हुक्स लॉ पे कैसे वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे जितना हम लोग प्रेशर इसके अंदर दे रहे हैं, यानी कि जितना इसके अंदर ये जो फ्लूइड है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और वही चीज़ तो हमारा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का। तो यहाँ पे भी हम लोग फ्लूइड का जो फोर्स है वो अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फ्लूइड का जो प्रेशर है वो अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस बर्डन ट्यूब में, और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डायरेक्टली रोटरी में कन्वर्ट करने के लिए पिनियन और रैक और पिनियन अरेंजमेंट लगाए हैं, उसके लिए हमारा एक एडजस्टेबल लिंक और एक हमारा सेगमेंट लीवर का यूज करके इस मतलब कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को आप रोटरी में कन्वर्ट कर लिए। इस तरह से अगर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ये जो हमारा बर्डन ट्यूब है वो आगे की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही इस फ्लूइड का प्रेशर कम होगा तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा, और इसी रेसिप्रोकेटिंग मोशन आप बोल सकते हैं, इस मोशन को हम लोग डायरेक्टली रोटरी में कन्वर्ट करके प्रेशर जो है वो रीड कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग देख लिए कि यहाँ पे जो प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये डिफ्लेक्शन, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा हुक्स लॉ पे वर्क कर दिया, यानी कि हम लोग यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं, फ्लूइड का फोर्स दे रहे हैं तो इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है, और इस डिफ्लेक्शन की मदद से हम लोग इस पॉइंटर को मूव करवा के पता कर लेते हैं कि कितना यहाँ पे हमारा प्रेशर है। तो इस तरह से हमारा मैकेनिकल प्रेशर गेज में जो बर्डन ट्यूब टाइप प्रेशर गेज है उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझ लिए। मैकेनिकल प्रेशर गेज में और भी दो टाइप के प्रेशर गेज होता है, जिसमें हमारा एक डायफ्राम टाइप का होता है और एक बेलो टाइप का होता है। अगर उसका भी आप लोग वर्किंग प्रिंसिपल समझना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी मैं सेपरेट डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए बर्डन ट्यूब टाइप का जो प्रेशर गेज है ये ऑल अबाउट हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये प्रेशर गेज कैसे वर्क करता है और किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ट। तो ये हुआ ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।